हैदराबाद जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आश्रिति दिवस में जिला पंचायत सदस्यों को बुलाया गया था। पंचायत ग्रामीण मंत्री ने जिला पंचायत सदस्यों से सीधा संवाद किया। जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याओं एवं अधिकारों को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को अवगत कराया। वेतन एवं क्षेत्र में विकास कार्य के लिए निधि दी जाए, जिससे क्षेत्र में कार्य कर सके। अभी फिलहाल क्षेत्र में ज्यादा कार्य नहीं कर सकते। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आश्वासन दिया कि आपकी जायज मांगों पर विचार जरूर किया जाएगा। देवेंद्र कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य रीवा। आज के किस तरीके का आयोजन रहा है? ये बढ़िया था, क्योंकि माननीय पंचायत मंत्री जी बड़े सहजता के साथ हम लोगों का भी जो समस्याएं हैं जिला पंचायत में उसको लिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले में माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से हम लोगों की जो समस्या है और जो वो अधिकारों का हम लोग बात किए हैं उसका निराकरण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अरुण यदुवंशी, जिला पंचायत सदस्य परासी, जिला छिंदवाड़ा से। मुद्दे तो 3 दिवसीय कार्यशाला थी, अलग अलग बुलाया गया था। पहले दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत, दूसरे दिन जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनपद के, तीसरे दिन जिला पंचायत मेंबरों का था। उसमें वहाँ होने वाली त्रिस्तरीय राज्यों में होने वाली परेशानियों का सुझाव और यहाँ प्रशिक्षण स्वरूप 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें बताया गया कि पंचायतों को कैसे समृद्धशाली बनाया जा सकता है, ई पंचायतें बनाने की ओर ध्यान आकर्षित करा गया और सभी पूरे प्रदेश में पंचायतों को और अधिक समृद्धशाली बनाए जाने के लिए माननीय मंत्री जी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छे से अच्छा बजट देने की बात रखी है। कमलेश सुई के, जिला पंचायत सदस्य परासिया, जिला छिंदवाड़ा। आज बात की जाए आपकी, आज हम लोग हमारे मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी के आग्रह पर आत्मनिर्भर पंचायत और समृद्ध भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए कि जिला पंचायत के माध्यम से शासन की योजनाओं का बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन अपने जिला पंचायत क्षेत्र में कर सकें, और साथ ही हम लोग ने भी मांग रखी है कि चूँकि हम विधायक के बाद अगर कोई जनप्रतिनिधि का आता है क्रम तो वो जिला पंचायत सदस्य का आता है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिला पंचायत सदस्य, नाम बताइए अपना। अजीत सिंह मंडलोई, नर्मदापुरम जिला से, जिला पंचायत सदस्य, दूसरी बार हूँ। आज यहाँ किस तरह का प्रशिक्षण रहा? आज अच्छा रहा। जो पुराने भी जिला पंचायत सदस्य है जो 3-3, 4-4 बार जीत कर आए हैं, और जो पहली बार का जिला पंचायत सदस्य है उनको कि अपनी अधिकार जो जिला पंचायत सदस्य को है उसके प्रति जागरूक किया, उसको बताया भी है कि निरंतर आपने क्षेत्र में भ्रमण करके समस्या भी आप किस स्तर की समस्या कहाँ रख के उस समस्या को हल करवा सकते हैं। अपने राठौर, जिला पंचायत सदस्य बुरहानपुर। आज हमको यहाँ हमारी कार्यशाला थी कि हम लोगों के अधिकार क्या क्या है वो बताने के लिए हम लोग, मतलब हमको बुलाया था, और यहाँ पर बहुत सारे जो हमारी कुछ निधि है उसको बढ़ाया जाए, फिर कुछ और समस्याएं थी ट्रांसफरों को लेकर, वो हमने मंत्री जी के सामने रखी है। मेरा नाम वर्मा सोलंकी, सदस्य जिला पंचायत, जिला बड़वानी। आज इस बैठक में आए तो किस तरह की चर्चा हुई है? आज आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश, इस संबंध में ये सभी जिला पंचायत, पूरे मध्य प्रदेश के जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें पंचायत मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी उपस्थित रहे, और हम लोगों को किस तरह से जमीनी स्तर पर काम करना है, किस तरह से समृद्ध गांव, समृद्ध जनपद, समृद्ध जिला और समृद्ध मध्य प्रदेश को कैसे बनाना है, इसको लेकर हम लोगों को समझाया गया और हमने सुना। जी, मेरा नाम है लालमण त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य रीवा। क्या मुद्दे हैं आप? मुद्दे ये थे कि हमारा ये मुद्दा था कि यहाँ जिला पंचायत सदस्यों का
एक सम्मान हो, दूसरे नंबर जो उनका अधिकार है अधिकार का पालन किया जाए। जब जिला पंचायत सदस्य कोई भी लेटर जारी करे अधिकार इस बात का इसमें कार्रवाई हो और जो उसका फंड है उसे पहुँचे और विकास ताकि विकास कर सके क्षेत्र। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।